हेलो एवरीवन, तो स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर आप सबको फिर से एक बार। मैं काफ़ी लंबे समय से वीडियो अपलोड नहीं कर सका था, जिसकी वजह है कि घर में भैया का शादी था। तो आज देवड़ी मंदिर का प्लान है, तो बहुत लंबे समय के बाद हम मंदिर भी फिर से जा रहा हूँ और पूरा फैमिली जाएंगे। तो मैं वन बाय वन सबको मिलवा नहीं सकूँगा, क्योंकि काफ़ी लेट ऑलरेडी हम लोग हो चुके हैं। और हम लोग जहाँ से जा रहे हैं वहाँ से देवड़ी मंदिर शायद 68 या 60 किलोमीटर ऐसे कुछ है। तो चलिए आप सबको पूरे फैमिली के साथ मिलवाते हैं, और देवड़ी मंदिर का पूरा एकदम रास्ता, और झारखंड है तो जंगल एकदम नेचर व्यू सब आप सबको दिखाते हुए चलते हैं। देख सकते हैं संजय भैया, भैया दीदी और भाभी हम लोग निकल चुके हैं। तो देख सकते हैं जंगलों के बीचों बीच एकदम घने जंगलों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं। तो इस रास्ते से आप लोग अगर आइएगा तो सिल्ली मूरी से जोना जैसे ही आइएगा तो बीच में जो रुआडी पड़ता है उसी के बीच से एक रास्ता जाता है, जो कि सीधे राहे निकाल देता है। तो इसमें शॉर्टकट ही एक रास्ता है, और बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हम लोग के घर से और दो रास्ते हैं, जो कि एक सिल्ली से होते हुए निकल सकते हैं आराम से, और एक रांची, जो कि आप सबको पता ही है, रांची टाटा मार्ग NH 33 से आप आसानी से आराम से जा सकते हैं। अगर आप में से कोई बाहर से आ रहे हैं देवड़ी मंदिर जाना चाहते हैं, तो इसके सामने सबसे हवाई अड्डा नहीं, इसके सामने है रेलवे स्टेशन जो कि रांची, इसके सामने पड़ जाता है, जिसे आप आसानी से जा सकते हैं। रांची स्टेशन से उतर के ठीक आप रांची टाटा मार्ग पकड़ सकते हैं, रांची NH 33, इससे आसानी से आप देवड़ी मंदिर बस से जा सकते हैं। अगर पूरा फैमिली जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट होता है कि कार उड़ से जाएँ, लेकिन अगर जंगल से होते हुए जाना चाहते हैं तो और घूमना चाहते हैं तो बाइक सबसे अच्छा है। तो हम लोग पूरा मतलब सब भाई बहन जा रहे हैं, तो हम लोग बाइक से निकल गए हैं, जो कि हम भैया और भाभी एक बाइक में हैं, और एक बाइक में संजय भैया और दीदी हैं, और बड़े जीजा जी जो कि उन लोग का गांव उधर ही पड़ता है, तो उन लोग को वहाँ से रिसीव कर लेंगे। उसके बाद छोटे जीजा जी भी आगे ही हैं, तो उन सब को रिसीव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग रुके थे क्योंकि भैया लोग सब पीछे ही हैं और हम बहुत आगे आ गए थे, तो इसलिए रुके। तो भैया आप बाइक चलाएंगे, तो चलते हैं। देख सकते हैं बड़े जीजा जी आगे नहीं। आगू बटे। और इस बाइक में संजय भैया और छोटी दीदी है, क्योंकि छोटे जीजा जी आगे काम कर रहे हैं। तो बड़े जीजा जी ये सब रास्ता देखे हुए थे, तो ही कच्चा रास्ता में घुसा दिए हैं। तो इसमें सब एकदम रेसिंग चल रहा है, कभी हम लोग आगे आगे पीछे आगे पीछे, देख सकते हैं एकदम कच्चे रास्ते में सब आगे हो गया, हम लोग सबसे पीछे। देख सकते हैं हम लोग रांची टाटा मार्ग NH 33 जो सड़क है वहाँ से पूरे निकल गए हैं, जो कि रिंग रोड है। तो देख सकते हैं मंदिर भी आप सबको दिखाई दे रहा है। तो हम लोग जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर में है, तो इसके नीचे ठीक लेफ्ट साइड से होते हुए सीधे मंदिर की तरफ घुसते हैं, तो वहीं हम लोग अब जा रहे हैं। आप लोग के मन में अगर ख्याल आ रहा है कि देवड़ी मंदिर आए हैं, तो इसके सामने और क्या क्या घूम सकते हैं और कौन कौन मंदिर है और क्या है, तो मैं सब बता दूं कि इसी के सामने ठीक कुछ दूरी पर सूर्य मंदिर है, और बारू हाथी तोती झरना है, रिमिक्स वाटरफॉल है, दशम वाटरफॉल है, फिर जगन्नाथ मंदिर है, टेगोर हिल, रॉक गार्डन रांची, पहाड़ी मंदिर, पंचगाग जलप्रपात, और बिरसा जूलॉजिकल पार्क भी है। मुनिया
क्या गोतियार हो तूने कि ना कि क्या गोतियार हो पहुंच गए पूरा फैमिली। ठीक हम लोग 12:30 में अभी देवड़ी मंदिर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद पता चला टाइमिंग का, तो देवड़ी मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे मंदिर खुली रहती है, लेकिन 11:45 से 12:30 दोपहर में आरती होती है और शाम को आरती होने के बाद मंदिर 7 बजे बंद हो जाता। तो चलिए मंदिर जब पहुँच ही गए हैं तो मंदिर के बारे जितनी हो सके आप सबको मैं जानकारी देने की कोशिश अपनी ओर से करता हूँ। कौन है? चलो ना मैं एक काम वाले ले लूँ। दादा गोरा गोरा रखा है समझे ना। देख सकते हैं यह मंदिर 700 साल पुराना है। महादेवी मंदिर में करीब 3.5 फुट ऊंची 16 भुजाओं वाली देवी मां की मूर्ति है। मंदिर के निर्माण में बारे में कहा जाता है कि 10वीं-12वीं शताब्दी के बीच यह मंदिर बनते किसी ने नहीं देखा। पुजारी बताते हैं कि एक भक्त मंदिर की उपस्थिति के बारे में स्वप्न आया था, जब ढूंढा गया तो जंगल की झाड़ियों के बीच देवी माता का मंदिर मिला। हालांकि मंदिर के निर्माण के बारे में एक कथा यह भी है कि तमाड़ के राजा ने इसकी स्थापना युद्ध में परास्त होकर लौटते समय की थी। कहते हैं कि देवी ने सपने में आकर राजा को मंदिर स्थापना करने का आदेश दिया था, जिसके बाद राजा केरा को उनका राज्य दोबारा प्राप्त हो गया था। ऊपर उठा दिया टांगे। हम लोग माँ दुर्गा देवी माँ के लिए प्रसादी सब ले लिए हैं। आप लोग देख सकते हैं इस मंदिर के दरवाजे भी पत्थर के बने हुए हैं। मंदिर में करीब 3 से 3.5 फीट ऊंची देवी माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित है। अपने मंदिरों में 8 या 10 भुजाओं वाली दुर्गा माता तो देखी होगी, लेकिन इस मंदिर में विराजित जो है वह 16 भुजा वाली माँ दुर्गा है। ये माता सिंह वाहनी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है। ले पानी ले पानी चाहिए एक एटर इस मंदिर के अंदर देवी माँ 16 भुजा माँ है। इस मंदिर के ऊपर शिव की मूर्ति है, अगल बगल में सरस्वती लक्ष्मी कार्तिक और गणेश की भी मूर्तियाँ स्थापित की गई है। इस प्राचीन मंदिर का और एक इतिहास है। लगभग 700 वर्ष से भी अधिक पुराना यह मंदिर, ऐसा कहा जाता है कि सम्राट अशोक इस देवी के दर्शन के लिए आते थे। देवी मंदिर के बारे में एक रोचक यह कहानी भी है कि इस मंदिर को बनाने में पत्थरों को काट कर बिना जोड़े हुए एक दूसरे के ऊपर रखा गया है।
अखियों ने सजना मैं भी सबर है आज दिन चढ़िया तेरे आज सजया है सारा शहर आज हो गया वे रब दी महर सजया है सारा शहर आज हो गया वे रब दी इधर फोटो हो रहा है दिया लगे बांधल नहीं है हम लोग माँ दुर्गा के दर्शन करके बाहर निकल गए हैं। तो यह मूर्ति उड़ीसा मूर्ति शैली से मेल खाती है। 16 भुजा दुर्गा माँ अपने बाह्य चार हाथों में धनुष ढाल परम एवं फूल लिए विराजमान है, लेकिन एक चार हाथों में आयु क्षतिग्रस्त रहने के कारण वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। देवी के दाहिने हाथों में कई सारे शस्त्र जैसे तलवार तीर डमरू गदा शंख त्रिशूल आदि हैं। उनका बायां पैर मुड़ा हुआ है और दाहिना पैर कमल पर है। वह बाजूबंद कमरधनी बाली आदि आभूषणों भी पहनी हुई है। तो आप लोग जैसे गर्भगृह में घुसेंगे आप माता रानी का दर्शन कर सकेंगे।
तो बाइक का पूजा भैया भाभी दोनों मिलके पंडित जी करवा रहे हैं। तो इससे पूजा करने के बाद हम लोग सूर्य मंदिर भी जाएंगे, तो पूरे ब्लॉग पे बने रहिएगा। अगला ब्लॉग भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा, तो तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे बहुत ही जल्द आप सबके साथ फिर आते हैं। क्या हो ना कि